गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हमारे इकोलॉजी में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बायो जियो केमिकल साइकल्स यानी जैव भू रासायनिक चक्र। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में अनेकों ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो कि जीवों के लिए आवश्यक है, और जीव जो है पृथ्वी पर प्राप्त इन जीवन उपयोगी भौतिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उन्हें संग्रहित करके और सुरक्षित रखते हैं, और उनकी मृत्यु के पश्चात इन कार्बनिक पदार्थों का जो है अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये पदार्थ फिर से वातावरण में मिल जाते हैं और यह पदार्थों का चक्रीकरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी रासायनिक तत्व विशिष्ट चक्रों के द्वारा वायुमंडल से प्राणियों में तथा पुनः वातावरण में मुक्त होकर जीव मंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। इन्हीं चक्रों को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जीवों को अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए और जीव द्रव्य के निर्माण के लिए अनेक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ये जैव भू रासायनिक चक्र जो हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक तो है गैसीय चक्र और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल यानी अवसादी चक्र। गैसीय चक्र जो है इसमें जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक तत्वों का चक्रीकरण है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अवसादी चक्र जो है इनमें खनिज जो है पोषक द्रव्यों का चक्रीकरण होता है। यह चक्र जीवों और उनके अजैविक पर्यावरण के मध्य होता है। इसमें शामिल है सल्फर, फॉस्फोरस और चट्टानों के साइकिल, रॉक साइकिल। आज हम बात करेंगे बच्चे ऑक्सीजन साइकिल की। ऑक्सीजन, जैसे कि हम जानते हैं कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो है घटक है वातावरण के अंदर पाए जाने वाला, और यह ऑक्सीजन चक्र जो है कार्बन और नाइट्रोजन चक्र के साथ मिलकर के एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। या हम कह सकते हैं कि यह ऑक्सीजन साइकिल एक जैविक जो है प्रक्रिया है जो कि तीनों जो हमारे मंडल हैं, वायुमंडल है, जल मंडल है और स्थल मंडल है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को नियत बनाए रखने में मदद करते हैं। एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसमें जो है ऑक्सीजन किसमें मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और यह लगभग 21% के लगभग जो है पाई जाती है। जलमंडल है, जलमंडल के अंदर ऑक्सीजन पानी के साथ में पाई जाती है, यानी यह एक संयुक्त रूप से पाई जाती है। लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, यह पृथ्वी की ऊपर परत में किस रूप में ऑक्साइड्स के रूप में पाई जाती है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको रेस्पिरेशन के अंदर। पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जैसे कि हमने कहा यह ऑक्सीजन चक्र कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र के साथ में जुड़ा हुआ पाया जाता है। इस ऑक्सीजन चक्र को अगर हम कहें तो यह इसका निर्माण जो है तीन जो है स्टेजेस के अंदर हम इसको कर सकते हैं। पहली जो इसकी अवस्था है ऑक्सीजन चक्र की, यह है फोटोसिंथेटिक स्टेज यानी प्रकाश संश्लेषी क्रिया। हमें पता है कि हरे पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, किसमें दिन के वक्त हरे पौधे जो हैं एनर्जी, यानी एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, सूर्य की रोशनी से, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से इनको मिल रही है, और वाटर यानी सॉइल पानी के अंदर से जो है इन तीनों के साथ में मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं, फूड, भोजन का निर्माण कर रहे हैं। भोजन जो कि किस रूप में है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हमें यह भोजन होता है प्राप्त, और किसको ऑक्सीजन को जो है निर्मुक्त किया जा रहा है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है किसमें दिन के समय जो है संपन्न हो रही है, और हम ये भी जानते हैं कि रात के समय जो है पौधे जो है किसका CO2 को जो है मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं,
इसीलिए जो है हम कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे जो है सोना सही नहीं है। इसके दूसरी अवस्था के अंदर हम कहते हैं कि ये संपन्न होती है क्रिया किसके द्वारा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन के द्वारा जो है ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाना, सभी जो है किसमें पाया जाता है, ये सभी जीवों के अंदर जो है ये श्वसन की क्रिया संपन्न है। और यह जो श्वसन है किसके द्वारा, ऑक्सीजन जो पौधों के द्वारा रिलीज हुई है, वो श्वसन, वो जो ऑक्सीजन जीवधारियों में श्वसन क्रिया से अंदर की तरफ हमें ग्रहण की जाती है। और यह जो ऑक्सीजन सरल शर्करा को तोड़ने में और एनर्जी उत्पन्न करने में हमें सहायक होती है। तीसरी जो हमारी स्टेज है यानी रिपीट, पुनरावृत्ति, जो प्राणियों द्वारा जो निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड थी वो फिर से कहाँ पे पहुँच गई है, वातावरण के अंदर, फिर से वातावरण में पहुँच जाती और पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह फिर से उपयोग में ले ली जाती है। ठीक है, तो ये तीन जो है अवस्थाएं हैं ऑक्सीजन चक्र की, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और रिपीट। ये जो ऑक्सीजन है यानी इसी तरीके से ऑक्सीजन वापस फिर से वायुमंडल में मिलकर अपना चक्र पूरा करती है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जो कि कई सारी हमारी चीज़ों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे रेस्पिरेशन की, अभी हमने बात की कि जो जीव ऑक्सीजन लेते हैं, सभी प्राणी जो हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा। तो श्वास लेने के लिए क्या है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं और बाहर रिलीज करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, फिर डीकम्पोजिशन यानी अपघटन, कि यह एक क्या है, प्राकृतिक जो है क्रिया है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ऑक्सीजन साइकिल के अंदर। जब एक एनिमल जो है मृत्यु हो जाती है, एक किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है, तो वह क्या होता है, उसका क्षय हो जाता है, शरीर का जो है क्षय हो जाता है, अपघटित हो जाता है शरीर। और उसके जो शरीर कार्बनिक पदार्थ किसके साथ मिल, किसके अलावा, कार्बन, ऑक्सीजन, पानी और जो दूसरे जो घटक उसके पाए जा रहे हैं शरीर में, वो फिर से किसके अंदर, सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर पहुंच जाते हैं या फिर वातावरण में, हवा में पहुंच जाते हैं। यह जो है कुछ अब डीकम्पोजर्स जो हैं हमारे, फंजाई है, बैक्टीरिया, उनके द्वारा जो है यह क्रिया संपन्न की जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज, एंटायर प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें रिलीज की जाती है। रस्टिंग, रस्टिंग यानी आप देखें जंग लगना, रस्टिंग के अंदर इसमें भी ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता होती है। इसमें मॉइस्चर जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर यानी नमी जो है कुछ मेटल धातु, जैसे कि आयरन है, मेटल धातु आयरन है, तो इस आयरन के अंदर जो है आयरन जो है जब ये मॉइस्चर के साथ यानी संपर्क में आते हैं, जब ये नमी के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो कुछ समय पश्चात जो है इनके अंदर नए जो है ऑक्साइड्स का निर्माण हो जाता है, जिसको प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यह प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाती है यह प्रक्रिया। जैसे कि आयरन अगर है, आयरन के साथ मिल ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण कर देता है, फेरस ऑक्साइड का निर्माण कर देता है। फिर है कंबशन, कंबशन यानी वह प्रक्रिया जिससे कि आग लगती है, ठीक है, जिससे कि फायर इज जनरेटेड, और इसमें भी किसकी, ऑक्सीजन की जो है आवश्यकता है ईंधन और हीट के साथ में। तो अगर हम एक पेपर जलाते हैं तो उसमें भी हमको किसकी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है, मुक्त होती है दूसरे और गैसेस के साथ में। और हमारे ऑक्सीजन का एक और जो है ये एक बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है, किसमें, दूसरे जो है हमारे जैविक जो है यौगिक के निर्माण में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं या दूसरे जो हैं
यौगिका उनके निर्माण में ऑक्सीजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे दूसरी कार्बन साइकिल।